और बात हवा के स्तर की, दरअसल दिल्ली एनसीआर में पटाखों की वजह से प्रदूषण बढ़ गया है, जैसी आशंका पहले से व्यक्त की जा रही थी। आतिशबाजी की वजह से AQI की स्थिति बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन भी हुआ है। प्रशासन और सरकार ने अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसका असर नहीं देखने को मिला है। चाहे पराली हो, मौसम हो, ट्रैफिक हो, धूल कण हो, तमाम चीजों ने मिलकर के दिल्ली एनसीआर की हवा को बेहद खराब दिया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 23 अक्टूबर को AQI काफी बेहतर था, लेकिन 24 अक्टूबर की सुबह से यह खराब स्थिति में है। 25 अक्टूबर यानी आज सुबह तक इसके खतरनाक स्थिति में पहुंचने की आशंका पहले व्यक्त की गई थी। दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी से AQI के खराब होने की आशंका थी। दिवाली पर पटाखों के कारण वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। साल 2020 में दिवाली से एक दिन पहले नोएडा का AQI 337 और ग्रेटर नोएडा के AQI 336 रहा, जबकि साल 2021 में नोएडा के AQI 327 और ग्रेटर नोएडा के AQI 286 रहा। इस बार भी वायु प्रदूषण अधिक रहने की आशंका बताई गई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली NCR में दिवाली के दिन AQI की स्थिति खराब हालत में पहुंच गई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सुबह से ही AQI खराब स्थिति में है। नोएडा में AQI 300 के पार है और ग्रेटर नोएडा में 270 के पार है। दिल्ली सरकार ने 22 अक्टूबर को वायु प्रदूषण बढ़ने पर गौर करते हुए आनंद विहार और पड़ोसी इलाकों में निजी निर्माण गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। वहीं दिल्ली के कई हिस्सों में लोगों ने प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए 23 और 24 अक्टूबर को पटाखे जलाए। लास्ट 3-4 साल के हिसाब से देखा जाए तो बेटर फील हो रहा है, और इसी वजह से मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया हूँ लोधी गार्डन। नहीं तो पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था कि दिवाली जाए और 3-4 दिन तक हम घर से बाहर वॉक करने के बारे में सोचे भी। ज्यादा नहीं है पॉल्यूशन, ठीक है पहले से, ज्यादा पॉल्यूशन तो है नहीं, आप ही देख रहे हो बिजली भी अच्छी है, साफ सुथरा है। तरह तरह के बैन लगाए जाते हैं, पटाखों पे भी बैन लगे हैं और भी तरह तरह के जो है काम किए गए हैं पॉल्यूशन कम करने के लिए। तो क्या लगता है आपको, कल जो पटाखों पे बैन हुआ था आपके हिसाब से, आपने देखा भी होगा लोगों ने कम जलाए हैं तब पॉल्यूशन कम हुआ है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि पॉल्यूशन खुद ही करता है? नहीं, कुछ बीच में बारिश हुई उससे भी पॉल्यूशन कम हुआ, कुछ पटाखों में बैन लगा इससे भी पॉल्यूशन थोड़ा कम हुआ। इस बार पहले से मच बेटर है क्योंकि फायरवर्क्स कम जला है और भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन पहले से बेटर है। अच्छा, हम मान सकते हैं फायर क्रैकर जो है बैन लगे थे, और भी बहुत तरीके हैं हम लोग जो आजमा रहे हैं, हम लोग अपना रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पटाखे कल जो कम जले हैं दिवाली से उससे कुछ फर्क पड़ा है? ये तो कैसे कह सकते हैं, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ा ही होगा। हाँ तो कम है, यहाँ नहीं है ज्यादा, क्योंकि मैंने कल भी गूगल से पता करा था तो वो 155 के करीब आ रहा था, और अभी मैंने देखा नहीं है, बट मेरे यहाँ मतलब कोई महसूस नहीं हो रहा कि कोई स्मॉग है या स्मोक है, ऐसा कुछ नहीं है।